iPhone 11 Pro versus iPhone 12 कौन सा आपको लेना चाहिए और कौन सा स्किप करना चाहिए, और 2024 में इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेस्ट है, और इन दोनों ही iPhone का प्राइस ना सेकंड हैंड मार्केट में लगभग सेम ही चल रहा है। 27,000 का आपको 11 Pro भी मिल जाएगा और 12 भी मिल जाएगा, तो कौन सा आपको लेना चाहिए एंड कौन सा स्किप करना चाहिए, और खास कर तो अगर आप बीच में PUBG खेलते हो तो कौन सा यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा, और कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए भी आपको कौन सा चूज करना चाहिए, तो सब कुछ बिल्कुल डिटेल में कंपेयर करेंगे इन दोनों ही आईफोन का। एंड अभी फटाफट से कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस मैं आपको हर एक चीज कंपेयर करके बताऊंगा, लेकिन हम परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपेयर करेंगे और गेमिंग को ध्यान में रख के कंपेयर करेंगे, ज्यादा मैं कैमरा वगैरह पे नहीं जाऊंगा। एंड अभी बात करते हैं डिस्प्ले की, तो आईफोन 11 में हमको डिस्प्ले देखने मिलती है HDR OLED की 60Hz की, और जो डिस्प्ले साइज देखने मिलता है आईफोन 11 में वो मिलता है यहाँ पे 5.8 इंच का, और दोनों ही फोन में आपको 1200 nits की पीक ब्राइटनेस देखने मिलेगी। और रही बात यहाँ पे आईफोन 12 की, तो आईफोन 12 में भी सेम ही है, बस यहाँ पे जो डिस्प्ले साइज है ना वो 6.1 इंच का देखने मिलता है, तो हल्का सा बड़ा आपको देखने मिलेगा आईफोन 12, बहुत ही हल्का सा। और मैंने दोनों ही फोन ये यूज करे हुए है थोड़े थोड़े टाइम के लिए, तो मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊँ ना, अपना रिव्यू दू डिस्प्ले पे एंड ओवरऑल यहाँ पे लुक पे, तो लुक यहाँ पे आईफोन 11 प्रो की ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे तीन कैमरा देखने मिलते हैं और हैंड्स में ना काफी ज्यादा कंफर्टेबली आ जाता है, और सही में काफी ज्यादा प्रीमियम लुक भी आईफोन 11 प्रो की लगती है। जबकि अगर मैं बताऊँ आईफोन 12 का, तो आईफोन 12 ना थोड़ा बॉक्सी सा लुक देता है, और जो प्रीमियम वाली फीलिंग है ना वो आपको आईफोन 12 में भी मिलेगी, लेकिन आईफोन 11 प्रो की ना अलग ही वाइब है, मतलब हर आईफोन से अलग है आईफोन 11 प्रो। तो लुक वाइज तो मैं यही बोलूंगा कि आईफोन 11 प्रो ज्यादा बेटर है, ज्यादा प्रीमियमनेस आपको देगा। और रही बात यहाँ पे प्रोसेसर की, तो आईफोन 11 प्रो में लगा है A13 बायोनिक चिपसेट, जबकि आईफोन 12 में लगा है A14 बायोनिक चिपसेट, और A14 बायोनिक चिपसेट 5G के सपोर्ट के साथ में आता है, और आईफोन 11 प्रो में 5G का कोई भी सपोर्ट नहीं है, आईफोन 11 प्रो एक 4G फोन है, लेकिन हाँ 5G वाईफाई वगैरह आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो 11 प्रो में, और हाई स्पीड इंटरनेट को आराम से यूज कर सकते हो आईफोन 11 प्रो में, लेकिन आप 5G सिम नहीं लगा सकते, और अगर आप 5G सिम लगाते भी हो ना तो यहाँ पे वो वर्क नहीं करेगी, उसमें 5G नेटवर्क नहीं आएगा, क्योंकि फोन ही 5G नहीं है भाई। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में यहाँ पे जरूर से A14 बायोनिक चिपसेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एप्पल यहाँ पे क्लेम करता है कि 20% ज्यादा फास्टर है A13 बायोनिक चिपसेट से A14 बायोनिक चिपसेट। एंड सही में आईफोन 12 यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल रखता है अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो, और क्योंकि यहाँ पे दोनों ही फोन में 60Hz की डिस्प्ले मिलती है, तो दोनों फोन में आपको बीच में पबजी के ग्राफिक भी सेम देखने मिलेंगे, दोनों ही फोन में आप स्मूथ एक्सट्रीम पे और HDR एक्सट्रीम तक 60fps पे खेल सकते हो। और बाकी अगर मैं अपना रिव्यू दूं ना दोनों ही फोन पे, तो दोनों ही फोन यहाँ पे लैग तो नहीं करेंगे अगर आप सेकंड हैंड लेते हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप और रेंडर इशू आपको देखने मिल सकता है, लेकिन वो भी आपको 30 मिनट में एक बार देखने मिलेगा। अगर आपको ना पता हो तो BGMI का एक मैच 30-40 मिनट का होता है, और ये मैं आपको कॉम्पिटिटिव गेमिंग का बता रहा हूँ, मतलब कि अगर आप BGMI स्क्रिम्स वगैरह खेलते हो ना, BGMI ई-स्पोर्ट्स, तब उसमें आपको ऐसी परफॉर्मेंस मिलेगी। बट अगर आप बस नॉर्मल गेमिंग करते हो, कैजुअल गेमर हो, तब आप जरूर से यहाँ पे क्लासिक ही खेलोगे एंड क्लासिक में लैग वगैरह आपको देखने नहीं मिलेगा। और आईफोन्स का ऐसा होता है, अगर आपको ना पता हो, कि आईफोन जब बहुत ज्यादा हीट होते हैं ना तभी लैग करते हैं, तो अभी तो ठंडियां चल रही है तो हीटिंग भी नहीं होगी, बट हाँ जब गर्मियां आएंगी ना, मतलब कि समर्स आएंगे, तब आप जरूर से BGMI खेलोगे एंड तब आपका फोन भी हीट करेगा, और तब अगर बहुत ज्यादा हीट कराना और आईफोन बहुत ज्यादा हीट करते भी है, तो तब आपका जरूर से यहाँ पे लैग हो सकता है, और लैग होगा ही होगा। और बाकी तो अगर आप गेमिंग वगैरह नहीं करते हो, तब आप जरूर से कोई सा भी ले सकते हो इन दोनों में से। मैं तो बोलूंगा कि आप 11 प्रो लो अगर आपको 5G वगैरह की टेंशन नहीं है, क्योंकि ना उसका यहाँ पे लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है, और आपके हाथों में ना चुभेगा भी नहीं, जबकि आईफोन 12 ना उसके एजेस इतने शार्प है कि आपके हाथों में चुभने लगेगा। एंड अब बात करते हैं बैटरी की, तो आईफोन 11 प्रो में आपको बैटरी देखने मिलेगी 3046 mAh की, जबकि आईफोन 12 में आपको बैटरी देखने मिलेगी 2815 mAh की। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट 200 mAh का डिफरेंस है, लेकिन आईफोन 12 फिर भी यहाँ पे आईफोन 11 प्रो जैसा ही बैकअप देता है, कभी कभी ज्यादा ही बैकअप दे देता है आईफोन 11 प्रो से, क्योंकि यहाँ पे जो A14 बायोनिक चिपसेट है ना ये ज्यादा एफिशिएंट है एंड ज्यादा अच्छे से आपको बैकअप प्रोवाइड कर देगी, चाहे आप नॉर्मल गेमिंग करो या फिर BGMI खेलो, पबजी खेलो, और चाहे आप आईफोन 11 प्रो लो या फिर 12 लो। बट ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि उसकी बैटरी हेल्थ ना यहाँ पे 100% नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 100% बैटरी हेल्थ वाला आईफोन लेते हो ना सेकंड हैंड या फिर रिफर्बिश्ड, तो मतलब कि उसकी बैटरी चेंज्ड है या फिर उसकी बैटरी ना बूस्ट करी हुई है, तभी वहाँ पे 100% बैटरी हेल्थ दिखा रहा है। तो ऐसा आईफोन आपको कभी भी नहीं लेना है, एंड आपको ऐसा आईफोन लेना है जिसकी बैटरी हेल्थ ना 85% से ऊपर हो और 95% या फिर उसके नीचे हो। और बाकी अगर आपको मैं अपना पर्सनल रिकमेंडेशन दूं, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप आईफोन 11
11 प्रो को लो अगर आपको 5G की टेंशन नहीं है एंड आप 4G फोन को यूज कर सकते हो अभी भी। एंड बाकी अगर आपको 5G चलाना ही है तो भाई आईफोन 12 ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है आईफोन 12 में भी। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आईफोन 11 प्रो का ना डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील आपको देगा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सही में मेरे को इतना प्रीमियम आईफोन कोई सा भी और नहीं लगता है जितना कि 11 प्रो लगता है। एंड बाकी कैमरा वगैरह में भी उतना डिफरेंस नहीं है और परफॉर्मेंस में भी उतना डिफरेंस नहीं है, 19-20 का भी फर्क नहीं है, 19.5 और 20 का फर्क है। तो इसलिए आपको मैं 11 प्रो रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी अगर आपको एक कंपैरिजन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।